आगे बढ़ना है तो सारे फोन्स को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। आज हम जा रहे हैं दोस्तों नासा के डीप स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर में, वो ग्राउंड कॉम्प्लेक्स जिसकी मदद से नासा इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करता है। And what we have to do is turn our phones onto airport mode. Oh really? Does it conflict the signal conflict with the space thing? Exactly. Oh. Into airplane mode. Yeah. Quiet and isolated here. It's in the middle of nowhere. I bet here, if it's not cloudy, I bet the night sky would be epic. Yeah. तो ये जो डिश देख रहे हो इसके बारे में बड़ी खास बात इन्होंने बताई कि 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था तो इस सेम डिश ने सिग्नल रिसीव किया था नील आर्मस्ट्रांग का, जब उन्होंने वो फेमस वर्ड्स कहे थे अपने। व्हाट वर द फेमस वर्ड्स? ओह या, अ स्मॉल स्टेप, या दैट वन। लुक एट ऑल दोस शीप, वी सॉ देम एंड वी स्टॉप्ड एंड they're all so curious. Oh no, they're so scared. Oh my god. The one left behind is running the fastest. बाकी जगहों पे ऑस्ट्रेलिया में तो बाद आए जो लोग हैं उन्होंने नए पेड़ उगाए हैं, लेकिन इस एरिया में हम देख सकते हैं कि आज से 40-50 हजार साल पहले ऑस्ट्रेलिया की जमीन कैसी दिखती थी। बिला इस नक्शे में देख सकते हो कि हम ऑस्ट्रेलिया की किस रीजन में हैं। यहाँ पर हैं हम, और यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं। मेनली हम नमाडी नेशनल पार्क के एरिया में हैं, उसके अंदर एक टिडबिन बिला नेचर रिजर्व नाम की जगह है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त। और ये जो है स्टेट है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, एक स्टेट का नाम है जिसके अंदर कैनबरा शहर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। इस हिस्से में बहुत से कैंगरूज वाइल्ड में दिख रहे हैं। इन्होंने कहा ये जो है ये नेशनल पार्क का पिकनिक स्पॉट है और आमतौर पर इन्हें खाना देना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इलीगली दे देते हैं, तो इसलिए ये कैंगरूज हमेशा इसी एरिया के अराउंड घूमते रहते हैं। Just in case someone comes to feed them. Yeah. They hang around. Yeah. Wow. इस वाले का पाउच है और इस पाउच में बच्चा भी है, ये तो पहली बार देखा है। Look at the baby. Babies are called Joys. Oh yeah, Joy. Come out, Joy. He looks like a small dog. And kangaroos eat grass, actually. Yeah. No special plants or flowers, just grass. अब यूली ट्राई करेगी कि उन कैंगरूज के पास जाके पीछे से जाके फोटो खींची जा सकती है कि नहीं, क्योंकि ये वाइल्ड हैं तो इतनी पास जा नहीं सकते। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई इन कैंगरूज के बारे में। कई साल पहले, आज से 50-60 हजार साल पहले, इनके यहाँ पर नेचुरल प्रेडिटर्स हुआ करते थे। इनके मार्सुपियल लायंस और मार्सुपियल टाइगर्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अब, तब से इनकी एवोल्यूशन इस तरीके से हुई है कि इन्हें हमेशा इन प्रेडिटर से डर लगते रहता है, इसलिए ये ज्यादा शाय रहते हैं वाइल्ड में। लेकिन आज के दिन ये मार्सुपियल लायंस और टाइगर जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो इन्हें डरने की कोई बात तो है नहीं। फिर भी कैसे खुजली कर रहा है, फिर भी ये इंसानों से डरते हैं थोड़ा, वाइल्ड वाले। चार कैंगरूज को मैंने और यूली ने घेर लिया है, अब अगर ये थोड़ा शाय होकर भागेंगे तो इस तरफ या उस तरफ भाग सकते हैं। हाँ, छींक मार रहा था या भौंक रहा था? भौंक तो सकते नहीं है ये, इसके पाउच में से खुजली होती रहती है। ये वाला तो डेफिनेटली एक मेल है, बहुत ही बड़ा है, इसे डर कम लग रहा है औरों वालों से। लेकिन क्या सुंदर जगह है ये, इतनी शांति है और हमें सिर्फ चिड़ियों की आवाज और हवा की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे, और कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। इतनी फ्रेश हवा पूरे नेचर में, एक्चुअली में ये शायद से बेस्ट तरीका होगा मैं कहूँगा असली कैंगरूज को देखने का। जूज में तो चलो वो ऐसी जगह से आए हैं जहाँ से हम उन्हें हाथ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़िया मजा आता है। एंड इवन दो दे लुक वेरी क्यूट, डू नॉट फीड देम, इट्स नॉट गुड फॉर देम। ये जो घास आप पीछे देख रहे हो ऐसा लगता है कि किसी लॉन मोअर ने काटी हो, अभी फ्रेशली काटी गई हो, लेकिन इतनी फ्लैट घास सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सारे कैंगरूज यहाँ पर यही घास खाते रहते हैं, और इसकी वजह से अपने आप फ्री मेंटेनेंस होती रहती है। सड़क पर चलते चलते यहाँ एक टॉर्टोइज मिला है जिसे सड़क से साइड में रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई गाड़ी इसके ऊपर आकर चली जाएगी। You should pick him up and meet him. Before you touch him, before you touch him, when you pick him up, I piss all over you. Oh, really? Yeah, sorry. Really? and the piss really sticks. Oh. Wait, if I pick him up like this? Yeah,
Vervelipis. Yeah, if you hold him across like that. Yeah. But careful, just be aware that he will. He will? Well, now just know it's going to happen. Okay. I can take this. No, it's okay. Interesting. How far should he go? Yeah, it did not happen. कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऑस्ट्रेलिया में भी रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ हम हैं आज एक रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच. और जिस घर में हम रुके हैं इसे दुनिया का टॉप रोमांटिक होटल रेट किया गया ट्रिप एडवाइजर के द्वारा साल 2021 में. एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है. हमारे अलावा एक घर वहाँ है, एक वहाँ, सारे जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच. Time to show off our room. Yes. Wow. Look at that. We got roses. Beautiful kitchen. Fireplace we have. Place to start a little fire in case it gets cold, which should not be the case right now. And beautiful little terrace with a view into the rainforest. A small pool, which is covered right now. A bed, some traditional Aboriginal artwork up here, and let's have a look at the bathroom. Very open. Very nice. You have a very nice view of the outside when sitting on the pot. Yeah, and we have the gold design here. And of course, when sleeping on the bed. We can look at the rainforest outside. Yeah. इसे कैप्चर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो कैमरे में दिख रहा है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आंखों से जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है. शायद से अगर मैं एक्सपोजर कम करूं इसका. हाँ, अब जो लुक आ रही है ऐसा रियलिटी में दिख रहा है. ये बहुत ही घना जंगल और चिड़ियों की ये चूंचू हमेशा आती रहती है यहाँ पे. कुछ बड़ी ही यूनिक चिड़िया है. एक है जो बिल्कुल लेजर की तरह साउंड करती है. चू, चू. ऐसी उसकी आवाज है. अगर कभी आएगी तो मैं सुनाऊंगा. रोज सुबह नाश्ते के लिए एक बढ़िया सी ब्रेकफास्ट बास्केट हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर लटका जाते हैं ये. अभी हम इस घर से बाहर निकल के आसपास का जो रेन फॉरेस्ट है वो दिखाते हैं कितना जबरदस्त है. So, we're in the middle of a rainforest and we're gonna go on a little stroll and see what kind of animals we can find. Maybe some snakes, maybe yeah. Some spiders. This is Australia. These flowers are so beautiful. Look at them. You know who it would look good on? Oh my Not god. Again. That looks. May I? Not again. May I? Purple. Oh no. Oh my god, it's falling apart. It would have looked so nice. Yeah, because the color matches. Matches. Careful, bunya nuts sometimes fall in this area. How big are bunya nuts is the question. I hope not bigger than this. I hope not like a coconut. बुनिया पाइन के बारे में इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि इससे रिलेटेड स्पीशीज जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट करती थी आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले. और आप में से जिन लोगों ने मेरा डायनासोर वाला वीडियो देखा है वो इसके बारे में जरूर जानते होंगे. This really gives some Jurassic Park vibes. Thankfully, we're still not up north enough for crocodiles to be here. Thankfully, because I'm scared of crocodiles. Yet it seems like there would be a crocodile around the corner here any moment. The thing about snakes is that they will actually avoid you if they hear your footsteps. So even if we would try to find snakes by stomping, they just get out of our way. That keeps us safe from snakes. That keeps us safe from snakes. And the snakes safe from us. This looks like an alien. It's a mushroom. Yeah, but it looks so alien. What if it's a poisonous one? Maybe. Then you should not eat it. Why are you collecting it for our dinner? Oh, honey. फंगाई के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट. फंगाई प्लांट से कम रिलेटेड है और एनिमल से ज्यादा रिलेटेड है. यही कारण है कि मशरूम्स का जो टेस्ट होता है वो अक्सर किसी मीट के फ्लेवर से ज्यादा मिलता है बाकी और प्लांट्स के फ्लेवर के कंपैरिजन में. यू फाउंड अ स्विंग इन द नेचर. आई डोंट थिंक यू कैन गो ऑन. नो, आई वुड नॉट. आई थिंक द होल ट्री विल कम. वाओ. Oh,
हमारे सामने एक बड़ा सा टर्माइट माउंड है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस ब्रिज पे आगे चलने से पहले एक बड़ा स्पाइडर का वेब लगा हुआ है यहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया में पॉइजनस स्पाइडर्स बहुत सारी होती हैं, सो यू गो अंडर इट। इट्स नॉट दैट हार्ड। यप। और इस छोटी सी वॉक का दी एंड आ गया, क्योंकि अब कोई जगह नहीं है जाने की। यहाँ पे ऊपर चट्टान है, यहाँ से चलकर जा नहीं सकते, और सामने पानी है। Don't slip. If I slip, I'm gone. I'm gonna pretend there's lava beneath me. In the camera, it looks not high at all, but this is pretty deep, actually. Really? Okay, let's go to that bridge. पानी यहाँ पर इतना रेड कलर का, ऐसा लगता है कि खून बह रहा हो यहाँ पर। So we're in the Sunshine Coast hinterland, and we're about to do a proper hike to a lookout. And one thing I really like about Australia is they offer free sunscreen everywhere. This is just randomly standing here on this little brick stone wall and free to use. Okay, but you're making yourself all white. Yep. हम जो हाइक करने जा रहे हैं वो है बरून पॉकेट डैम टू बरून लुकआउट। 2 to 2.5 hours की हाइक है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी हाइक्स करी जा सकती है यहाँ पे। यहाँ से एक वाटरफॉल भी है, 4.2 kilometers return. It's not that much, I think. Moderate walk, challenging walk. We should take the challenging walk. Where's the moderate walk? The dotted. Already रास्ता बंद, ब्रिज ही टूटा हुआ है आगे। इजी ब्रिज टूट गया है, इसलिए ब्रिज के नीचे से रास्ता बनाया है जाने का। यहाँ पर पता नहीं ब्रिज की जरूरत ही क्या थी, और टूट भी कैसे गया पता नहीं इतना। वन मोर ब्रिज। बहुत ही बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं इस जंगल में, देखो कितनी ऊपर तक जा रहा है ये। I can't see the top even. Yeah. It's so high. Can't see the top. This is how you speak. तो बरून लुकआउट उस तरफ 1.8 किलोमीटर हमने देखा भाई, इतनी जल्दी हमने 400 मीटर चल भी लिया। तो यहाँ पे एक डीटूर है ओबी क्रीक तक जाता हुआ, यहाँ चल के देखते हैं। इस बड़े से पेड़ के नीचे कुछ काली काली सी गुफा है, पता नहीं कौन सा जानवर रहता हुआ इस गुफा के अंदर, या कोई भूत। और थोड़ी सी दूर चलते ही 5 मिनट भी नहीं लगे हम इस छोटी सी नदी के पास आ गए हैं, जिसका नाम है ओबी क्रीक। व्हाट इज इट स्मेल ऑफ हियर? Curry. Looks like this guy from Fantastic Beasts. Oh yeah. Looks like you. True. इस वाले पाम का नाम है वॉकिंग स्टिक पाम, क्योंकि पुराने जमाने में लोग इसे एक्चुअली में वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल करते थे। Stop showing this. Looks so brutal. पता नहीं इस कीड़े के साथ क्या हुआ है यहाँ पे, हो सकता है जब फॉरेस्ट फायर आई हो उसी में जल गया हो और इसका स्केलेटन बचा है सिर्फ। Clickbait vloggers will be like we saw dead bodies on our hike, right? Technically true. जितने भी पुराने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, उन सब में एक चीज कॉमन है, सब में काले काले निशान लगे हुए हैं ऐसे हर जगह। पीछे वहां देखो उस वाले पे भी, इसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट फायर थी वो एक जमाने में कभी यहाँ पर आई होगी, और जो पेड़ बच गए वो हमें दिख रहे हैं, और जो नए पेड़ है जिन पे कोई ब्लैक मार्क्स नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं है। एक और बहुत ही मोटी सी कीड़े की शेल मिली है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा कीड़ा है, वही वाला है लेकिन ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसका साइज देखो मेरी उंगली के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। ये जो पौधा है ये लिटरली इस पेड़ के ऊपर उग रहा है, अलग से नीचे नहीं टच कर रहा जमीन पर, और ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है एपीफाइट प्लांट्स। बड़े करीब आ गए हैं हम बैरेंस लुकआउट के। दिस इज इट, द ट्रीज लुक सो क्रेजी अराउंड हियर। वार्निंग, स्टीप क्लिफ एजेस, इवन सेज इन जर्मन हियर अख्तुम। And in Chinese. Is it? Let me see. Wow. तो ये रहा बैरेंस लुकआउट, और बड़ा ही खतरनाक है यहाँ नीचे देखना। फोन इस रेलिंग के ऊपर से ले जाना भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ फिसला तो फिर गया समझो फोन। वहाँ जो लेक दिख रही है उस लेक का नाम है बैरेंस लेक, इसलिए इस जगह का नाम है बैरेंस लुकआउट। और
जो हम नीचे स्ट्रीम तक गए थे वो स्ट्रीम यहाँ से दिख सकती है, ये रही नीचे, वहां से बहकर आ रही थी, तो हम उस पॉइंट पर कहीं गए थे। हमने चलना शुरू उस लेक से ही किया था, तो लेक से यहाँ तक आने में करीब 1 घंटा लगा। तो ये है दोस्तों लेक। यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि जो पत्थर हैं ब्लैक कलर के हैं, इसका मतलब फायर यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि एक पॉइंट तक ये ब्लैक कलर के हैं, उसके नीचे ये नॉर्मल ग्रे कलर के हो जाते हैं, व्हाइटिश ग्रे कलर के दिखते हैं। तो यानी जब भी यहाँ पर फॉरेस्ट फायर आई थी इन पत्थरों के ऊपर से गुजरी, लेकिन पानी का लेवल वहां तक होगा, तो पानी ने कवर कर रखा था उन पत्थरों को, उन पत्थरों पर फायर नहीं लगी। What is the temperature? Yeah. 22 degrees. I feel like jumping in. Yeah, jump in. इस रेन फॉरेस्ट रिट्रीट से करीब 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है मॉन्टविल नाम से। यहाँ हम आए हैं थोड़ा खाना खाने के लिए, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स हैं और काफी बढ़िया व्यू है वहाँ पे। पीछे बादल ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंट किया हो, इतने परफेक्ट लग रहे हैं। जो स्काई है वो इतना डीप ब्लू कलर